हाय फ्रेंड्स, सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, अभिनंदन। सभी साथी जो हमारे एस ट्यूटर्स एकेडमी जयपुर के लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत, नमस्ते। आज इंग्लिश के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में वैसे टीचर्स टेंस से भी स्टार्टिंग करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से करते हैं, लेकिन जो मेन जो इंग्लिश की जड़ है, जो रूट है, वो बेसिक होता है। चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, या इंग्लिश हो, या हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, संस्कृत हैं, तो उसमें बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। जिस स्टूडेंट्स का बेसिक क्लियर है, उसका मान लीजिए 50% उसका सब्जेक्ट भी क्लियर है। और इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं परंतु लैंग्वेज है। सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना एक अलग बात होता है और लैंग्वेज के रूप में पढ़ना एक अलग होता है। इंग्लिश में आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में हमारे जो ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट शुरू से ही इंटरेस्ट कम लेते हैं। उनका एक ही होता है कि ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट इंग्लिश में ज़्यादा रुचि नहीं ले पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनकी भी लापरवाही है, कुछ पेरेंट्स की भी है, कुछ स्वयं की भी जिम्मेदारी है, गाइड करने वालों को भी गाइड नहीं करते हैं। और दोस्तों, आपको पता है वर्तमान में इंग्लिश सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सर्वोपरि सब्जेक्ट बन गया है। प्रेजेंट में एग्जाम, चाहे आप पटवारी देख लीजिए अपने राजस्थान में, पटवारी जो पहले वैकेंसी आई हुई है उनमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं था। इसी वर्ष से इंग्लिश एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है और आने वाले नेक्स्ट दिनों में मैं चाहता हूँ या गवर्नमेंट की डिमांड है कि सभी जो एग्जाम्स लगेगी ऑनलाइन या ऑफलाइन, रेलवे जो, उसमें इंग्लिश अनिवार्य सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आज अपन फर्स्ट क्लास होने के नाते इंग्लिश के कुछ बेसिक के बारे में चर्चा करते हैं। अब इंग्लिश के बेसिक के बारे में, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बेसिक नॉलेज। अब देखिए, इसमें इंग्लिश को अपन दो पार्टों में डिवाइडेशन करते हैं। वन पार्ट इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में अपन पढ़ते हैं, नंबर टू सब्जेक्ट और नंबर टू लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि इंग्लिश को अपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हुए या लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश को अपन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं और लैंग्वेज के रूप में भी पढ़ते हैं। सब्जेक्ट का मतलब है कि मान लीजिए किसी का बैकग्राउंड इंग्लिश रहा हो शुरू से, स्कूल लेवल से या ग्रेजुएशन लेवल से। मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन में BA MA में इंग्लिश लिया हो, लिटरेचर लिया हो, तो एक बैकग्राउंड कहलाएगा। और किसी के पास में इंग्लिश नहीं है लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी वो लैंग्वेज तो पढ़ेगा, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है, तो कंपटीशन की वो लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज में आप ग्रामर पोर्शन जैसे टेंस हैं, क्लोज हैं, मॉडल्स, नरेशन, ETC तो टॉपिक हैं, उनको अपन लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ते समय कुछ शुरुआत में आपने स्टार्टिंग में स्कूल टाइम में या फिफ्थ क्लास में, सेवन्थ में, सिक्स क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड और सेंटेंसेस। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ अल्फाबेट, उसके बाद में लेटर्स, उसके बाद में वर्ड्स और सेंटेंस। अपने भारत में, क्योंकि भारत ग्रामीण परिवेश का देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, फर्स्ट भाषा भारत में हिंदी होती है और सेकंड अपन इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद में अल्फाबेट, स्टार्टिंग अपने यहाँ से होती है इंग्लिश की। अल्फाबेट अधिकांश स्टूडेंट्स या स्कूल के बच्चे, कॉम्पिटिशन के बच्चे, हमने ऑफलाइन क्लास में काफ़ी बार देखा है,
ऑफलाइन हम 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं। ये कोरोना की वजह से ऑफलाइन का सिस्टम बंद होने की वजह से हमको स्टूडेंट ने काफ़ी मैसेज किए, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि सर आप ऑनलाइन क्लास चालू करें। तो ये एस ट्यूटर्स अकेडमी जयपुर के माध्यम से, ये हमारा एक फैमिली है, इस फैमिली के माध्यम से आपको हम ऑनलाइन मैटर क्लास, वीडियो नोट्स, ई नोट्स, क्वीज आदि टाइम टाइम पर आपको देते रहेंगे। और आपको समस्या हो बीच में, या कोई हमारी क्लास में कोई कमी हो, तेज पढ़ा रहे हैं या धीरे पढ़ा रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, वो गति आप वो कमेंट के माध्यम से, लाइव के माध्यम से उनको बताएं, नेक्स्ट क्लास में उसको सुधार किया जाएगा। अल्फाबेट, देखो अल्फाबेट अपने एक साधारण रूप में देखें तो अपने गांव की भाषा में या देसी भाषा में ABCD, तो ABCD होती है, उसको अपन अल्फाबेट कहते हैं। दूसरी ओर एक होता है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, इसको अल्फाबेट्स का अर्थ होता है भाषाएं। देखो नाउन, ये नाउन है अल्फाबेट, अगर किसी नाउन के अंत में एस लगाते हैं तो उसका अर्थ मीनिंग चेंज हो जाता है। उसका अल्फाबेट, अल्फाबेट्स का अर्थ होता है भाषाएं, और भाषाएं को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्रिय स्टूडेंट्स या मेरे प्रिय साथी, हमारे प्रिय गुरुजन, इष्ट मित्र जो हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप सभी अपने जो बच्चे हैं छोटी क्लास में पढ़ते हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ते हैं, उनका समय समय पर आप देखें, उनकी जांच करें कि मेरा बच्चा या मेरा बेटी या बेटा की परफॉर्मेंस क्या है, क्या वो इंग्लिश में इंटरेस्ट लेता है, कितना पढ़ता है, कितना नहीं पढ़ता है, स्पोकन आता है कि नहीं आता है, उसकी राइटिंग कैसी है, उसका कोचिंग जाता है तो जाता कहाँ है। कई बार प्रेजेंट टाइम बच्चे कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग से गायब हो जाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोचिंग ऑफलाइन बच्चे से पढ़ने हमने देखा है, काफ़ी बारीकी से देखा है, हमको कहना नहीं चाहिए। पेरेंट्स बच्चों के स्कूल कोचिंग में जा नहीं सकते, कई पेरेंट्स अपनी जॉब की खातिर भी व्यस्त रहते हैं, अगर किसी पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे आजकल पढ़ने वाले कोचिंग में 5% ही आते हैं, बाकी 95% बच्चे तो वैसे मौज मस्ती एंजॉय करने के लिए आते हैं, जैसे कोई पिकनिक मनाने जा रहे हो ना अपन। तो मैं इसी कड़ी में नेक्स्ट स्टेप में बता रहा था, अल्फाबेट को अपने देसी गाँव की भाषा में ABCD बोलते हैं। ABCD में आपको पता है 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स की बात करें, अल्फाबेट्स को हिंदी में वर्णमाला, अपन हिंदी में बात करें, हिंदी में अपन व्यंजन, जिस प्रकार से हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत की ग्रामर के टॉपिक हैं वो सेम हैं, कुछ टॉपिक संस्कृत में नहीं है, कुछ टॉपिक हैं, तो इंग्लिश और ग्रामर के जो ग्रामर्स के टॉपिक्स हैं उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट वाली बात नहीं है। तो इस वर्णमाला में 26 में से 5 ओवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये प्योर, इसको बोले तो प्योर वोवेल्स होते हैं। इसके बाद में 26 में से 5 और शेष 21 ये आपके कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, इसको अपन हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन, और वोवेल्स को बोलते हैं स्वर। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जिसको आप अपने गांव की भाषा में या देसी भाषा में व्यंजन बोलते हैं वो कक्का होता है, कक्का, कैसे कबूतर, कैसे कबूतर से लेकर के गे तक, उसको अपने व्यंजन बोलते हैं। और ए आई होती है, ए आई, ऐसे अनार से लेकर के हैं तो उसको स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेटर्स, लेटर्स क्या हैं, लेटर्स अल्फाबेट, अल्फाबेट से बनते हैं लेटर्स, लेटर्स का मतलब अक्षर, लेटर्स मींस होता है अक्षर। इसके बाद में अपना नेक्स्ट में देखें, देखो वन टॉपिक आपका अल्फाबेट है, अल्फाबेट के बारे में मैंने बता दिया,
अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, 5 आपके ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स होते हैं। उसके बाद में 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई समस्या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमको अवगत करा सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट लेटर्स, देखो लेटर्स की बात करें तो लेटर्स को हिंदी में अक्षर बोलते हैं और अक्षर अल्फाबेट से बनते हैं, एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट कॉल्ड लेटर्स, ठीक है। जैसे मैं बात करूं तो ए, ए यहां अल्फाबेट है और ए से एप्पल बन गया, ए डबल पी एल ई एप्पल, तो एप्पल यहां एक लेटर्स का रूप, ये अल्फाबेट और ये लेटर्स। ठीक उसी प्रकार से आता है वर्ड, शब्द, शब्द, देखिए शब्द वर्ड अल्फाबेट से लेटर्स बनते हैं और लेटरों को ऐड करने से वर्ड बनते हैं, वर्ड शब्द। जैसे एप्पल, एप्पल अपने आप में एक वर्ड हो गया, एप्पल ए डबल पी एल ई एप्पल, ये वर्ड हो गया। इसके बाद में है बॉय, एक वर्ड है, गर्ल एक वर्ड। अब ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए, अब आप कहोगे सर जैसे मान लीजिए सिस्टर इन ला है, सिस्टर इन ला, अब आप पूछेंगे सर ये बताइए सिस्टर इन ला ये अल्फाबेट है या सेंटेंस है या लेटर्स क्या है, तो सिस्टर इन ला एक कंपाउंड नाउन है। अगर आप सोचेंगे भाई एक वर्ड इसमें तीन वर्ड हो गए शब्द, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिस्टर एक शब्द है, इन एक है, लो एक है, परंतु ये कॉमन कंपाउंड नाउन की वजह से ये पूरा दोनों तीनों वर्ड मिलके एक वर्ड का निर्माण करते हैं, वर्ड शब्द, करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट, तो मैंने आपको अल्फाबेट वर्ड, अब बात करते हैं सेंटेंस की, सेंटेंस के बारे में देखिए। सेंटेंस, सेंटेंस को बोलते हैं हिंदी में वाक्य। मैं बायलिंगुअल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मान लीजिए कई स्टूडेंट्स थोड़े, सेंटेंस आपने हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी में सेंटेंस वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, हिंदी में आपने साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य पढ़े होंगे शुरू से ही। ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस, अब आप कहेंगे कि सर सेंटेंस क्या होता है, जो प्रॉपर या प्रॉपर जो सार्थक हिंदी में बोलें सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य सेंटेंस कहलाता है, जो प्रॉपर जो वर्ड हैं उनका जो सिस्टम एक अरेंज वेल्डन अरेंज व्यवस्था को सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल है, राम गोज, राम गोज टू जयपुर, तो ये आपका एक प्रॉपर सेंटेंस। ठीक हिंदी में सेंटेंस साधारण होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं या संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी सेंटेंस होते हैं। इंग्लिश में मुख्यतः है चार टाइप्स होती हैं सेंटेंस की। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य, साधारण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या साधारण वाक्य। नंबर दो पे है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ पे है इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हिंदी इंग्लिश में प्रॉपर वे मुख्यतः चार सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक जिसमें नोट आता है, और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब इनके बाद में देखिए, कुछ स्टूडेंट्स साउंड्स के बारे में बताते हैं। साउंड्स क्या होते हैं? साउंड्स आपने पहले पढ़ा होगा, पहले स्कूल में या छोटी कक्षा में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, सुना होगा। साउंड्स की बात करें तो अपना जो मनुष्य, जब बच्चा जब जन्म लेता है, जब बच्चा बर्थ होता है, उसका जन्म होता है, क्या होता है? बर्थ। बर्थ होने के बाद में वोकल कॉर्ड से, जो भी वोकल कॉर्ड या कंठ होते हैं, वहां से अपनी साउंड निकलती है। वोकल कंठ से सीधी जो आवाज या ध्वनि बाहर आती है, जो कंठ है अपने कंठ से लगभग 20 प्रकार के ध्वनि आती है, इसको बोलते हैं ओवल। वोकल कॉर्ड बोलते हैं। जो ध्वनि लिप्स या बॉडी या टंग से निकलती है, उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, तो मैंने बताया आपको साउंड्स के बारे में। साउंड्स को हिंदी में ध्वनि बोलते हैं। ध्वनि, मनुष्य या बच्चा जब पैदा होता है तो कॉर्ड, वोकल कॉर्ड से उसकी ध्वनि बाहर निकलती है, और लगभग कंठ से 20 प्रकार की ध्वनि बाहर निकलने के बाद में 20 प्रकार की ध्वनि को वोवेल्स में आता है, और लगभग जो ध्वनि लिप्स और बॉडी या टंग के माध्यम से बाहर आती है, उसको कॉन्सोनेंट साउंड्स में काउंट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट अपन बात करें बेसिक में। सबसे बेसिक कई स्टूडेंट्स की शिकायत है, कंप्लेंट है, सर हम सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या होता है? आपने इंग्लिश में एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम सुना होगा। सब्जेक्ट मीन्स, वैसे सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, और ऑब्जेक्ट होता है कर्म। जैसे एग्जाम्पल है, राम जयपुर, राम जयपुर जाता है। हिंदी में देखो, राम अपना सब्जेक्ट है, जाता है ये हो गया वर्ब, और जयपुर हो गया ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार से हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश के सेंटेंस में है, राम सब्जेक्ट, राम गोज टू जयपुर, राम गोज टू जयपुर, राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, गोज वर्ब, टू ये प्रीपोजिशन है, और जयपुर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर इंग्लिश में सेंटेंस का वो स्टार्टिंग या प्रारंभिक टाइम वो सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, देखो हिंदी और इंग्लिश में आपने सब्जेक्ट देखा होगा, सब्जेक्ट हिंदी में भी स्टार्टिंग में है और इंग्लिश में भी स्टार्टिंग में। जयपुर ऑब्जेक्ट हिंदी में सब बीच में है, वर्ब इसमें लास्ट में आता है हिंदी में। इंग्लिश के सेंटेंस में सब स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, बीच में वर्ब है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर होता है ये, हिंदी का स्ट्रक्चर अलग है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखो वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में आप सभी जानते हैं, वर्ब इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट। देखो पूरा इंग्लिश में जो पूरा सिस्टम है वो टेंस और वर्ब चलता है। अपन टेंस पढ़े हैं तो टेंस में उसमें अपन वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फिर आईएनजी वाली फॉर्म है। वैसे वर्ब की बात करें तो वर्ब मीन्स होता है क्रिया,
क्रिया क्या है भाई? क्रिया किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसको क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का अर्थात को क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला तो कर्ता होता है। क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार से जैसे रमेश ईट्स फूड, रमेश खाना खाता है, तो रमेश तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। ईट्स वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। अब फूड खाने का जो काम है वो कौन करता है? रमेश। ठीक उसी प्रकार से वर्ब किसी कार्य में करना है होना पाया जाता है, उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब में आपको सभी को पता है हिंदी में ना आता है, लिखना, पढ़ना, आना जाना, खेलना, कूदना, सुनना, देखना, पढ़ना, चलना, सोना, उठना, बैठना। ठीक है, तो हिंदी में ना आता है। इंग्लिश में वर्ब की मुख्यतः तीन फॉर्म होती है और वैसे अपन देखें तो पांच होती है। आपने देखा होगा V1, V2, V3, V4 और V5। अब इस नेक्स्ट इसमें अपन वर्ब की बात करते हैं। मान लीजिए V1, V2, V3, V4 और V5। V1 में मान लीजिए गो है। सेकेंड में क्या हो जाएगा? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? आप जानते हो सभी, वेंट। इसको अपन ing वाली फॉर्म भी होती है, ये आप जानते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड है, ये प्रेजेंट में होती है, पास्ट पार्टिसिपल, ये आप सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ing है। और फिफ्थ फॉर्म में अपन s या es लगाते हैं वर्ब, या तो s लगाते हैं या es लगाते हैं। अब एस कोई बता सकता है आप में से, एस या ईएस क्यों लगाते हैं? पता है क्या वर्ब के? चलो बताएंगे अभी। तो गो हो गया, वेंट, गॉन, और इसमें हो जाएगा गोइंग, और इसमें गो में क्या लगेगा? ईएस लगेगा, गोज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए एक वर्ब है ईट, वर्ब है, एक होता है ईट्स। एस क्यों लगाया भाई? एस इसलिए लगाया, ये वर्ब है ईट, मीन्स होता है खाना। एस क्यों लगाया? जिस प्रकार से अपना सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि अपना इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का यूज भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो वर्ब का यूज भी प्लूरल होगा। मान लीजिए अपना सब्जेक्ट मान लीजिए राधा एंड मोहन आर ईटिंग ग्रेप्स। राधा, अब देखिए सब्जेक्ट अपना है राधा एंड मोहन, ये अपना सब्जेक्ट हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। क्यों? राधा और मोहन दो व्यक्ति हो गए। यहाँ अपने जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी जगह आप कहोगे इज क्यों नहीं आई, आर क्यों नहीं आई, एम क्यों नहीं आई, तो सीधा सा बात है भाई, अपना सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता तो यहाँ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती, यदि सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो वर्ब या सेंटेंस अपना प्लूरल होता। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ब में मान लीजिए वर्ब है रीड, राइट, कम। इस वर्ब को रीड राइट वर्ब, ये अपनी होती है प्लूरल वर्ब होती है। राइट इसको भी वही प्लूरल वर्ब है,
काम प्लूरल वर्ब। अब वर्ब के अंत में अपन एस या एस लगाने से वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, एस या एस से वर्ब को सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। दैट्स ओके। अब किस वर्ब के अंत में, किस वर्ब के लास्ट में एस लगाना है, किस में ईएस लगाना है, वो आपको सभी को पता है। मान लीजिए किसी वर्ब के अंत में एस, देख लीजिए, एस डबल एस सी एच ओ एक्स जेड, ये अगर अंतिम जो लेटर्स आ जाएं तो उसके अंत में अपन ईएस लगाते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए आप, अभी आया गो, तो गो अपना जब सेंटेंस था उसमें अपन गोज में क्या लगाया, गोज जी ओ एस, एस नहीं लगाया, ठीक है। इसके बाद में तो कहने का मतलब है कि वर्ब को सिंगुलर, यदि कोई आपसे पूछे कि भाई वर्ब के अंत में एस या एस क्यों लगाते हैं, तो आप सीधा सा फॉर्मूला है कि वर्ब को, वर्ब हमेशा बहुवचन में होती है, प्लूरल में होती है, इसको सिंगुलर कर, सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाया। ठीक इसके अपोजिट सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट में क्या होता है, मान लीजिए सब्जेक्ट में सॉरी सब्जेक्ट में मान लीजिए कैट है, कैट है या पेन है या पेंसिल है, ये अपनी नाउन है, सॉरी नाउन, इन नाउन की बात करें तो ये नाउन ऑटोमेटिक सिंगुलर में पता है आपको, इनका अपन बहुवचन बनाते हैं तो एस लगाते हैं, जैसे कैट्स हो गया, पेन का पेन्स हो गया और पेंसिल का पेंसिल्स हो गया, एस जोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार से हम नाउन में इनका अपोजिट है, तो आप नाउन एक तरफ तो है नाउन एक है वर्ब, इस कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। ये बाद में जब अपन टेंस पढ़ेंगे या इंग्लिश के टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, क्लोज है, जो भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम करेगा। नाउन में, किसी भी नाउन में अगर उसके अंत में एस या ईएस लगाएंगे तो वो प्लूरल या बहुवचन बन जाती है, और यदि किसी वर्ब के अंत में अपन एस या ईएस लगाते हैं तो एक वचन बनती है। That's okay. कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट बात करते हैं, आपने सिंगुलर, आपके जो बेसिक में अपन जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें नंबर नंबर वचन भी पढ़ते, वचन भी है, जेंडर लिंग भी है। देखो नंबर सिस्टम की बात करें, बहुत सारे विद्यार्थी उनके नंबर एक वचन बहुवचन के बारे में नहीं जानते हैं। अपन हिंदी की बात करें तो हिंदी में नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत की बात करें, संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हिंदी में दो प्रकार से हैं, तो ठीक इंग्लिश में दो प्रकार से हैं। जैसे सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, इसको बोलते हैं एक वचन कर्ता, एक वचन, ठीक है। सेकंड पे है प्लूरल, सेकंड पे है प्लूरल नंबर, बहुवचन। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा था, कुछ स्टूडेंट्स जो पहली बार ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं या पहले उन टॉपिक क्लियर नहीं किया, उनके बारे में विशेष दे बात। एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, ये आपका पहले आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, और कंपटीशन में जो छोटी छोटी एग्जाम होती हैं जिसमें प्रीपोजिशन जेंड इनके क्वेश्चन आते रहते हैं, जो प्रीपोजिशन का है, टेंस के जो ब्लैंक शब्द, खाली स्थान वाले शब्द हैं,
अब एक वचन और बहुवचन इसमें आप में कुछ भी नहीं, इस एक वचन का है मैन, एम ए एन, मैन। अब ये तो अपन जानते हैं कि भाई एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है, ये तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जानते हैं, पर किस नाउन के अंत में एस लगता है और किसके अंत में ई एस लगता है। लेकिन कुछ मान लीजिए मैन है, मैन पूछे मैन एक वचन है बहुवचन है, तो मैन मैं बता दूं आपको, मैन है सिंगुलर नाउन, इसका प्लूरल नाउन इसके जो अंदर से कौन वोवेल्स हैं मैन का हो जाएगा एम ई एन, यहाँ पे ए जो वोवेल्स है वो अंदर से ए का ई हो गया, यहाँ पे इसका अर्थ है मैन एक व्यक्ति, ये प्रॉपर एक के लिए कह रहा है भाई एक है, ये एम ई एन हो गया। ठीक उसी प्रकार से टूथ, टूथ का हो जाएगा टीथ, कहने का मतलब टूथ इस, अगर इंग्लिश में बुक्स में या न्यूज़पेपर में कहीं भी आपने टूथ पढ़ा तो समझ लो दांत केवल सिंगुलर के लिए बोल रहा है, एक वचन के लिए बोल रहा है, और टीथ ये आ जाए तो ये होता है इसका बहुवचन टीथ। उसी प्रकार से फुट है, पैर एफ डबल ओ टी फुट, तो फुट का हो जाएगा फिट, फुट ये अपने डबल जो ओवेल्स हैं ये डबल अंदर से चेंज हो गया, डबल ई हो गया इसका, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा टेंथ क्लास में बुक का नाम भी है फुट प्रिंट विदाउट फिट, बिना पैरों के भी पैर के निशान। तो मैंने आपको मैन के बारे में बताया कि मैन ये एक वचन है, मैन इसमें ई लगा दिया बहुवचन हो गया, टूथ ये एक वचन, टीथ बहुवचन, फुट ये एक वचन एक के लिए है, और फिट ये दो के लिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक पैर टूट जाए तो किसका यूज होगा फुट का, और दोनों ही पैर टूट जाए तो किसका यूज होगा फिट का। खुद का आगे देखिए, इसके बाद में कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिसका एक वचन सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन उनका बिल्कुल क्या होता है सेम होता है, जैसे जैसे आपको पता है डियर, डियर का डियर ही होगा, डियर को बोलते हैं हिंदी में मृग या हिरण, और एक डियर आप जानती हैं सभी, डियर प्रिय, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर मदर सिस्टर, ठीक है, और एक होता है फिश एफ आई एस एस, फिश का जो सिंगुलर है इसका फिश ये भी यही होगा प्लूरल, ठीक है, इसको बोलते हैं मछली, ठीक है फिश। ये अपने जो नंबर सिस्टम है एक वचन और बहुवचन, मान लीजिए ऑक्स है ओ एक्स, ये एक वचन है सिंगुलर, इसका अपन प्लूरल बनाएंगे ओ एक्स ई एन ऑक्शन, इसमें एक्स है तो इसमें ई एन लगेगा, क्या लगेगा लास्ट में ई एन। ये कई बार एग्जाम्स में जो 10+2 SSC 10 लेवल की एग्जाम होती है उनमें ये आता रहता है। इसके बाद में देखिए अपन नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस होता है वाक्य, कई बार एग्जाम्स में कई बार एक सेंटेंस आ जाता है, जैसे राम राइट्स ए बुक, सेंटेंस आ गया राम एक किताब लिखता है, तो कई बार एग्जाम्स में आता है वह सेंटेंस, जैसे नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है साधारण वाक्य, तो सेंटेंस उसको नेगेटिव में चेंज करो, इसका अफर्मेटिव बनाओ या अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ या मॉडल्स का जो हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो एक्चुअली जो मॉडल्स वर्ब होती है उनका यूज होता है। तो ठीक आपको पता है राम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब्स वर्ब, ए बुक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसका अपन कई बार इसको नेगेटिव पूछ लेते हैं तो क्या हो जाएगा राम डज नॉट ए बुक, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस।
तो एग्जाम में नेगेटिव का अफर्मेटिव पूछ सकता है और अफर्मेटिव का नेगेटिव भी पूछता है। कई एग्जाम्स होती है छोटी उसमें आते हैं, जैसे मान लो बी ए लेवल जो अपने ग्रेजुएशन करते हैं उसमें एक जनरल इंग्लिश चलती है, तो उसके क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो बेसिक में वैसे देखो, तो बेसिक देखा जाए तो बेसिक के लिए कम से कम एक वन, वैसे टॉपिक स्टार्ट करने में तो आजकल बेसिक कम से कम 7 डेज का बेसिक है। और उसने बेसिक अपनी नींव मजबूत कर ली, जिसने अपने जड़ों को गहरा कर लिया, वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए अपने बेसिक क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट अपना पार्ट टू में इसके अलावा आपको एक क्लास और देंगे बेसिक की, उसके बाद में आपके टॉपिक है, चाहे पार्ट ऑफ स्पीच है, चाहे टेंस है, आपको जैसी डिमांड होगी वैसे आपको पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमी हो तो हमको आप बताते रहें, कमेंट्स करें, और इस वीडियो को आप पूरे अपने फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, जो यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको शेयर करें, और अच्छा लगे तो हमको कमेंट करके बताएं। कोई कमी हो तो उसको आप कमेंट के माध्यम ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, राम राम सब।